हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे BS6 में गाड़ियों में पंप आ रहे हैं, जो सिंगल सिलेंडर पंप होते हैं इस तरीके, जैसे आपको वीडियो में देख रहे हो। इनमें जो है डीजल मिक्सिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि चैम्बर में डीजल मिक्स हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, इसका पार्ट नंबर 0445-010-494, ये पंप का पार्ट नंबर है। इसके अंदर सील होती है, ऑयल सील होती है, जो खराब हो जाती है। उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आपको एंड में मिल जाएगा इसमें क्या चीज़ खराब होता है। तो और देखिए, ये चीज़ होती है इसमें जो खराब होती है, इसको निकालते कैसे हैं, आपको एंड पे लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में करेंगे, हम ये सीधा जो अवेलेबल मिल जाती है मार्केट से, तो इसको कैसे चेंज करना है, कैसे लगाना है। जो डीजल मिक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये सील चेंज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके की सील लग के ऊपर ये वाश लग जाएगी, इसके ऊपर लॉक लग जाएगा। देखिए, ये सील डालते हैं पहले हम इसके अंदर। जो गाड़ी में दिक्कत आती है कि चैम्बर में जो है डीजल मिक्स हो जा रहा था। ये सुपर जो अपनी टाटा सुपर गोल्ड आती है, उसके उसका पंप है दोस्तों। ये डीजल मिक्सिंग की प्रॉब्लम थी। देखिए, यहाँ से हमने सील निकाल रखी है इसकी। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, पंप को साफ करने के बाद इसको फिट करेंगे। देखिए, यहाँ पे इस पंप को हमने साफ कर लिया है और इसके अंदर अभी ऑयल सील है जो वो डालेंगे। ऑयल सील आपको मिल जाएगी मार्केट से आराम से। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, आप इस तरीके से जो सील को बैठा देना है, आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, थोड़ा आराम से बढ़ाना है, सील खराब भी हो सकती है। इस तरीके आपको सील को बढ़ा के प्रेस कर देना है। देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से जो है इसकी जो ऑयल सील है वो बैठा लेनी है। ऑयल सील बैठाने के बाद इसके अंदर जो वाशर है, देखिए इस तरीके की जो वाशर है वो लगेगी। ये आपको वाशर लगा लेनी है। देखिए, यहाँ पे हमने वाशर लगा ली और लॉक लगा लिया इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी आप स्प्रिंग रख के और जो हमारा पिन है, इसकी निडल है, उस पर थोड़ा ऑयल ग्रीस वगैरह ऑयल लगा के इसको दबाएंगे, ताकि जो हमारी सील खराब ना हो। तो इस तरीके से देखिए, आपको दिखाते हैं। तो लगा के इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देना, आपको थोड़ा ध्यान रखना, ऑयल वगैरह लगा लेना, ताकि जो हमारी सील कटे बढ़े ना। तो देखिए, यहाँ पे अभी थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे हम। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो फिट हो गया। देखिए, इस तरीके से आप इसकी सील डाल सकते हो। आप देख सकते हो, बिल्कुल सील आराम से बैठ गई है। इसको बिठाने के लिए जो है आपको कोई पुराना एलिमेंट ले लेना है और उसको उसका साइज बना लेना। आपको दिखाते हैं, देखिए ये पंप का पार्ट नंबर है। इस तरीके का एलिमेंट लेना, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एलिमेंट की जो है सीट बना लेनी है थोड़ा इस तरीके से। हमने इस एलिमेंट को जो घसा रखा है साइड से, तो इस तरीके की सीट बना के इस तरीके से लगा के उसको बैठा देना है, तो आपकी जो ऑयल सील है वो बैठ जाएगी। उसके बाद आपको वाशर रख के लॉक लगा के इसको इस तरीके से फिट कर देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।